इसलिए मैं आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट्स की और आर्ट्स और आर्ट्स इन एजुकेशन की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले आता है कि हम कैसे लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, पहले इंट्रो देंगे, देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन एंड द फ्यू पॉइंट्स आर रिटन बिलो व्हिच टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। तो ये हमें बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस है आर्ट्स इन एजुकेशन में, और हमने कुछ नीचे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे कि आर्ट्स को हम समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर। तो पॉइंट्स में पहला पॉइंट है मोर रिटेंशन ऑफ नॉलेज। मोर रिटेंशन ऑफ नॉलेज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम नॉलेज को लंबे समय तक याद कर पाते हो, गेन कर पाते हो। टीचिंग लर्निंग थ्रू आर्ट्स हेल्प इन रिटेंशन ऑफ नॉलेज बिकॉज इट यूजेस ऑल द सेंसेस एट अ टाइम। जो टीचिंग लर्निंग है, अगर हम आर्ट्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाते हैं तो रिटेंशन ऑफ नॉलेज बहुत तेज़ी से होता है, मतलब नॉलेज बच्चा बहुत जल्दी से गेन कर लेता है एंड प्रॉपरली समझता है चीज़ों को, बिकॉज वो एक ही टाइम पे अपने सारे सेंसेस का यूज़ कर रहा होता है। तो वो सेंसेस कौन से, जैसे कि आई हर्ड, मैंने सुना, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था, आई सो, मैंने देखा, आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया, आई डिड, मैंने किया, आई अंडरस्टूड, मुझे समझ आ गया। तो ये कुछ हैं सेंसेस जो कि हम एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं आर्ट्स के थ्रू जब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग प्रोसेस। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस कैसे है टीचिंग लर्निंग में, लर्निंग थ्रू आर्ट्स इज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस विच इज़ हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक टू स्टडी। इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऐसे क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कि बहुत बोरिंग फील करते हैं, तो स्पेशली हम उनको बैक बेंचर्स ही कहते हैं जनरली। तो इसमें ये रहता है कि जो बच्चे हैं जिनको स्टडी करना पसंद नहीं है तो वो एक्टिविटीज़ के थ्रू कंसेप्ट को समझ लेते हैं एंड बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं क्लास में, एटलीस्ट उस टाइम पे जब एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस बन जाता है जब हम पढ़ते हैं आर्ट्स के थ्रू। फिर है बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग में क्या है, व्हेन वी टेक इंटरेस्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ विद लर्निंग इट मेक्स अस अंडरस्टैंड थिंग्स मोर बेटर। जब भी हम चीज़ों को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, मतलब उसमें रुचि दिखाते हुए पढ़ते हैं और एक्टिविटीज़ को करते हुए कोई भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादातर चीज़ें बहुत ईजीली समझ आती है और बहुत तेज़ी समझ आती है, मतलब हम बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। देन आता है ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमें हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है जब भी हम आर्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। वो कैसे है, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक ऐसा टूल है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम सारे स्किल्स स्टूडेंट के अंदर जनरेट कर सकें। तो वो स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इट डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है बच्चे की, रीडिंग, बच्चा रीडिंग करता है, स्पीकिंग, उसकी बोलने की वोकैबुलरी वगैरह, प्रोनंसिएशन सब ठीक हो जाती है, लिसनिंग स्किल्स, बच्चा बहुत प्रॉपरली चीज़ों को सुनता है, और ये सारी स्किल्स एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आती है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन में क्या है कि बच्चों को एक साथ रहना है, कोऑपरेट करते हुए चीज़ों को करना है, मतलब एक तरह से टीम वर्क आ जाती है, यूनिटी वर्क। तो आर्ट इम्प्रूव्स इमोशनल बैलेंस एंड हेल्प्स चिल्ड्रन टू कोऑपरेट विद ईच अदर। इसमें इमोशनली बैलेंस बना रहता है, क्योंकि कई बार होते हैं कि बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स नहीं होते, फिर अगर वो टीम वर्क करें तो उन्हें पता चलता है उन लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कंपैटिबिलिटी कितनी है, वो एक दूसरे को प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, तो एक इमोशनल बैलेंस बन जाता है। एंड साथ में बच्चा कोऑपरेटली वर्क करना सीख जाता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए वर्क सीख जाते हैं। इट इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी एज अ चाइल्ड क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर मिस्टेक्स, दे एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स व्हेन वर्क टुगेदर। इसमें ये रहता है कि जब बच्चे एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो अगर उनसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं अपनी गलतियों के लिए। ये नहीं है कि वो दूसरों पर थोप रहे हैं कि तू, तेरी गलती होगी इसलिए ऐसा हो गया। टीम वर्क में कभी भी ऐसा नहीं होता, बिकॉज सबको काम प्रॉपरली बांटा जाता है उनके इंटरेस्ट लेवल के बेस पर, एंड अगर उनसे गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने के लिए भी बहुत मतलब रेडी रहते हैं, रेडीली रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हुई तो हम करने को तैयार हैं, अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ कोऑपरेशन आ जाती है आर्ट्स के उसमें, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आर्ट्स को यूज़ करते हैं। देन आता है लास्ट वेलबींग। तो वेलबींग में क्या है, आर्ट हेल्प्स विद वेलबींग एंड इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आर्ट्स के थ्रू जो एक पर्सन है वो बहुत हैप्पी रहने लगता है, तो उसकी हेल्थ इम्प्रूव्ड रहती है, ठीक है। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा पर्सन वेलबींग रहता है, मतलब उसको कोई बीमारियां कम लगती है। वही बात है ना कि अगर हम दिल से खुश हैं तो हमारे पास बीमारियां भी कम ही आएंगी, हम नेगेटिव कम सोचेंगे, हम पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं। मैनी स्टूडेंट्स रिलीज देयर प्रेशर और टेंशन ऑफ स्टडिंग बाय डूइंग आर्ट एक्टिविटीज़ टू लर्न। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे पढ़ने के साथ साथ एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ते हैं ताकि ईजिली समझ आए, तो वो इसीलिए ही है टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं ताकि आप सिर्फ एक पढ़ाई का बोझ अपने सर पे ना ले लो, आप फन वे में उस चीज़ को पढ़ो एंड कंसेप्ट को ईजी वे में
समझो। देन इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है आपको एंड में कोई भी क्वेश्चन हो कंक्लूजन जरूर लिखना, मार्क्स इजीली मिल जाते हैं कंक्लूजन लिखते हो इंट्रोडक्शन देते हो तो, तुम्हें दो नंबर या तीन नंबर इन्हीं चीज़ों के मिल जाते हैं ठीक है। बाकी तुम्हें बॉडी लिखनी होती है तो कंक्लूजन में है एस सॉल्ट इज एसेंशियल फॉर फूड, जैसे कि खाने के लिए हमेशा नमक बहुत ज़रूरी होता है तो आर्ट्स इन एजुकेशन इज ऑल्सो एसेंशियल, ऐसे ही आर्ट्स एजुकेशन के अंदर उतना ही एसेंशियल है जितना कि नमक खाने के अंदर एसेंशियल होता है। बिना आर्ट्स के एजुकेशन टेस्टलेस है और एक तरह से वेस्ट ही है, अगर तुम फन वे में कोई चीज़ को नहीं समझ रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।